नमस्कार, ईस्ट टुडे में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज के कुछ खास खबरों के साथ मैं सांग्रेम। हाल ही में आयोजित हुए रिक्शुंग त्सेमो देंदुर, जो कि एक्स सर्विसमैन और भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया टूर्नामेंट था, जिसमें आर्चरी कंपटीशन और कुछ ट्रेडिशनल गेम्स जैसे थेप्पी लई जैसे मुकाबला का आयोजन किया गया। इसका समापन समारोह हुआ, जिसमें आर्चरी कंपटीशन में दामगिन टीम विजेता के रूप में साबित हुए। वहीं पहले रनर्स अप में सोयनम टीम और दूसरे रनर्स अप में टीम तेमिफू और इस टूर्नामेंट की बेस्ट डिसिप्लिन टीम संगबू टीम को दिया गया। इस टूर्नामेंट के बेस्ट शूटर टीम दामगिन के दोर्जी वांगचू को दिया गया और इन कई पुरस्कारों के साथ इस टूर्नामेंट में अकेली भाग लेने वाली महिला त्सरिंग पेमा और टूर्नामेंट के सबसे छोटे खिलाड़ी त्सरिंग दोर्जी को भी सम्मानित किया गया। इस टूर्नामेंट के समापन समारोह में तवांग जिले के चेयरपर्सन लेकी गुम्बू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। तवांग के एक युवा लामा जांगचू ने न्यू मार्केट के तिनाली में नया ट्यूशन सेंटर एलजे बेसिक लर्निंग ट्यूटोरियल के नाम से खुला गया है, जिसमें कक्षा छठी से लेकर दसवीं कक्षा के बच्चों को ट्यूशन दिया जाएगा और इस ट्यूशन सेंटर में मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में ट्यूशन दिए जाएंगे। इस ट्यूशन सेंटर में जो बच्चे दाखिल होना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। नामदपा नेशनल पार्क चांगलांग के बाहर एक बाघ के दिखे जाने पर ऐसा खुलासा हुआ है कि नामदपा नेशनल पार्क में कई सारे इलीगल टिम्बर, जो कि एक बिजनेस है, वो चल रहा है और इस चीज़ को देखते हुए अब प्रशासन पूरी तरह सख्त हो चुकी है। हाल ही में नामदपा नेशनल पार्क चांगलांग के बाहर जो एक फॉरेस्ट का इंस्पेक्शन बंगलो है, उसके सामने एक रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया। इससे पता चलता है कि इलीगल टिम्बर कटिंग के कारण जो वहां के जानवर है वो बाहर निकलने के लिए अब मजबूर हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस में जो एग्रीफ्ट कैंडिडेट है, उन्होंने अरुणाचल सरकार के प्रति खुशी जताई कि उनकी जो डिमांड है उसको अब पूरा किया जा रहा है। आज एक प्रेस रिलीज में सारे एग्रीफ्ट कैंडिडेट ने जितने भी एनजीओस ने उनका साथ दिया है, खासकर कांग्रेस पार्टी का, और उन्होंने कहा कि अब दोबारा उन्हें सड़कों पे अपने मांगों के लिए वापस निकलना नहीं पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को लेफ्टिनेंट कर्नल वीवीबी रेड्डी को उनके घर जाकर उनको आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित की। लेफ्टिनेंट कर्नल रेड्डी, जो कि अरुणाचल के वेस्ट कामेंग जिले के मंडला के सामने एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुआ था, उनके घर तेलंगाना में जाकर आर्मी के चीफ जनरल मनोज पांडे ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। लेफ्टिनेंट कर्नल रेड्डी चीता हेलीकॉप्टर के मुख्य पायलट थे और उनके साथ उनके को पायलट का भी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गया। और इन्हीं कुछ खबरों के साथ मैं सांग ड्रामा कैमरामैन रोशन करकी के साथ आप सबसे लेती हूँ इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।